Hello everyone, here's a question number 4. ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कंस्ट्रेंट रिलेशन से रिलेटेड है और एक छोटा सा प्रॉपर्टी जिसको हम लोग यूज़ करते हैं. सो लेट्स रीड द क्वेश्चन. ये बोलते हैं कि एक रॉड है जो एल लेंथ का है और उसका एंड ए जो है ये 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से इस वॉल के अलोंग जा रहा है और दूसरा बी एंड जो है वो पी क्यू वॉल की तरफ जा रहा है और ये जो रॉड है वो 30 डिग्री एंगल पर है. ये सिचुएशन है, इसी इंस्टेंट पर अपने को बी पॉइंट का वेलोसिटी बताना है, ए पॉइंट का वेलोसिटी इसने दे रखा है. सो वी नो कि सिंस ये रॉड है, रॉड का लेंथ चेंज नहीं करता है, तो कंस्ट्रेंट क्या है कि रॉड के हर एक पॉइंट पर जो भी वेलोसिटीज आएंगी उन वेलोसिटीज़ के अगर हम कंपोनेंट करते हैं अलॉन्ग द लाइन अलॉन्ग दिस रॉड इट्सेल्फ, तो उस रॉड के डायरेक्शन में या रॉड के अलॉन्ग सभी कंपोनेंट्स बराबर रहेंगे. ऐसा इसलिए क्योंकि द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी विल नॉट चेंज, सो रिलेटिव वेलोसिटी शुड नॉट बी देयर अलॉन्ग द रॉड. सो ये पिक्चर यहाँ पे दिखाया गया है, ये रॉड है और लेट्स से ये वेलोसिटी वी बी है जो कि दिस 30 डिग्री एंगल पर है और ये वेलोसिटी वी ए जो कि 4 मीटर पर सेकेंड है बताया जा रहा है. अपने को पता करना है कि ये वी बी कितना है. सो व्हाट वी कैन डू इज दिस कि इस वी बी का कंपोनेंट करते हैं अलॉन्ग द रॉड. सो इसका जो कंपोनेंट अलॉन्ग द रॉड आएगा वो बन जाएगा वी बी कॉस 30 डिग्री. नो ये जो वी ए है इसका भी कंपोनेंट हम कर सकते हैं अलॉन्ग द रॉड एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड. इसका भी परपेंडिकुलर टू द रॉड कंपोनेंट होगा बट वी आर नॉट बॉदरिंग ऑन दिस क्योंकि कंडीशन जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं एज अ कंस्ट्रेंट वो वेलोसिटी अलॉन्ग द रॉड यूज़ कर रहे हैं. नाउ यू नो कि अगर ये 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री. इसका ये काउंटर वर्जन है, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, तो इसका इधर कंपोनेंट आएगा वी ए कॉस 60. एज पर द कंस्टेंट रिलेशन वी कैन क्लेम कि दिस कंपोनेंट एंड दिस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मस्ट बी आइडेंटिकल. दे आर आइडेंटिकल इन डायरेक्शन, दे मस्ट ऑल्सो बी आइडेंटिकल इन मैग्नीट्यूड. सो फ्रॉम दिस फिगर वी कैन फाइंड आउट वी बी कॉस 30 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू वी ए कॉस 60 डिग्री. नाउ वी बी कॉस 30 इज √3/2 एंड वी ए इज 4, कॉस 60 इज हाफ. सो ये मिलकर के 2 हो जाएगा, ये 2 और 2 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई √3. सो वी बी की जो वैल्यू आएगी 4/√3 मीटर पर सेकेंड होगी इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए. सो ऑप्शंस वॉच करने हैं देन यू विल फाइंड कि ये डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन टू बी चोजन. सो डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट रिस्पॉन्स, उसको ऑप्ट कर लेंगे. ओके, थैंक यू.